आज ही के दिन 1821 में मैक्सिको ने स्पेन से स्वतंत्रता हासिल की। 1822 में आज ही के दिन दुनिया के पहले स्वामी नारायण मंदिर का अहमदाबाद में उद्घाटन हुआ। आज ही के दिन 1882 में संक्रामक बीमारी टीबी की पहचान की गई। 1894 में आज ही के दिन निकारागुआ ने होंडुरास की राजधानी तेगुसिगाल्पा पर कब्जा किया। आज ही के दिन 1895 में क्यूबा में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लड़ाई शुरू हुई। आज ही के दिन 1924 में भारत के प्रसिद्ध पार्श्व गायक और फिल्म अभिनेता तलत महमूद का जन्म हुआ। उनको गजल की दुनिया का राजा भी कहा जाता है। उनके योगदान के लिए वर्ष 1992 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आज ही के दिन 1948 में भारतीय राजनीतिज्ञ और तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का जन्म हुआ। 1976 में आज ही के दिन अर्जेंटीना में सेना ने सत्ता पर कब्जा किया। राष्ट्रपति श्रीमती पैरो गिरफ्तार हुई एवं संसद भंग हुई। आज ही के दिन 1998 में हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री ललिता पवार का निधन हुआ। ललिता पवार ने हिंदी, मराठी और गुजराती में 700 से ज्यादा फिल्में की हैं। उन्होंने रामानंद सागर के टेलीविजन महाकाव्य धारावाहिक रामायण में मंथरा का रोल निभाया था। उन्हें वर्ष 1959 में अनाड़ी फिल्म में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और वर्ष 1961 में अभिनय के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। आज ही के दिन 2004 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मिखाइल कास्यानोव को उनके पद से हटाया। आज ही के दिन 2008 में मुंबई की शगुन साराभाई ने जोहानिसबर्ग में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब जीता। आज ही के दिन 2009 में केंद्र सरकार ने सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क में कटौती की घोषणा की। और आज ही के दिन 2013 में राउल कास्त्रो को दूसरे कार्यकाल के लिए क्यूबा का राष्ट्रपति चुना गया।